हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। आप सिखाएंगे ना? आगे मत बढ़िए। क्या बात है? आगे बढ़ के पेड़ के नीचे बब्बर शेर का जोड़ा बैठा है। अच्छा, तुमने देखा उसे? नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं देखा, हमारे दोस्त ने देखा। तुम्हारे दोस्त ने क्या बताया? ब्रुकुं, ब्रुकुं। ये सब भाषाएं तुमने कहाँ से सीखी? यही जंगल में रहते रहते हम सीख गए। हमें भी सिखाओगे? हाँ। जी हाँ, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जी चाहता है मैं भी अब सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आके रहूं और आपके साथ पीड़ितों की सेवा में जीवन बिताऊं। राजकुमारी अनंग रति के सामने चार वर हैं, एक वीर, एक वैद्य, एक वस्त्र निर्माता और एक भाषा ज्ञानी। इन चारों में से किसी एक के गले में उसे वरमाला डालनी है। अब तू बता, उसने किसके गले में वरमाला डाली? विक्रम बेताल, 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 विक्रम विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम समझ में नहीं आता विक्रम कि तू बार बार आता है और मुझे उठा कर ले जाता है। तू उबा नहीं अब तक? अरे फेंक मेरा बोझा और जा अपने महल में आराम कर। अच्छा सुन, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, अपने नगर उज्जैन में वीरदेव नामक राजा राज करता था। उसकी रानी का नाम था पद्मा और उसकी सुंदर प्यारी प्यारी लड़की का नाम था अनंग रति। अनंग रति वापस कब लौटेगी? आ जाएगी, अभी उसे गए हुए दिन ही कितने हुए हैं। तीर्थ स्थान पे गई है, यहाँ वहाँ मंदिरों के दर्शन करेगी, आज तो पहुंची होगी वहाँ। कोई समाचार भी तो नहीं मिला अभी तक? परसों तो एक दूत राजकुमारी का समाचार लेकर आया था। तुम इतनी घबरा क्यों जाती हो? हमारी अनंग रति अकेली तो नहीं, साथ में उनकी सहेलियां हैं, सेवक हैं, सिपाही हैं, और वे हमारे राज्य में ही घूम रही है, राज्य से बाहर तो नहीं गई।
बड़ी सुंदर साड़ी है, कहाँ से खरीदी आपने? राजकुमारी, ये साड़ी स्वयं इन्होंने बुनी है, ये बहुत बड़े कलाकार हैं। अच्छा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इसका मूल्य क्या है? इसका कोई मूल्य नहीं है राजकुमारी जी, ये मेरी तरफ से आपको भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मैं आपकी बुनी हुई और साड़ियाँ देखना चाहूंगी। ये मेरा सौभाग्य होगा राजकुमारी जी, पर इसके लिए आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। आप बहुत बड़े जादूगर हैं। इस साड़ी को बनाने में कितना समय लग जाता है? किसी में 6 दिन और किसी में 6 महीने लग जाते हैं। कितना कमा लेते हैं आप? लोग मुंह मांगा दे जाते हैं। देखिए ना, ये सज्जन विदेश से आए हैं, मेरा कपड़ा विदेशों में भी बिकता है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका देश की उंगली में कला है, कला। ये लेकर आया हूं, इसके बदले जितना साड़ी कपड़ा दोगे लेकर चला जाऊंगा। हाँ, और अपना देश में जाकर दुगने दाम पे बेचूंगा, क्यों? ठीक कहा आपने। इसमें सारी भांत और रंग की कल्पना आपकी है? जी राजकुमारी जी, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मेरी तो यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं होती, जी चाहता है यहीं रह जाऊं और ये काम सीखूं। आप सिखाएंगे ना? राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, रुक जाइए, आगे मत बढ़िए। क्या बात है? आगे बढ़ के पेड़ के नीचे बब्बर शेर का जोड़ा बैठा है। अच्छा, तुमने देखा उसे? नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं देखा, हमारे दोस्त ने देखा। तुम्हारे दोस्त ने क्या बताया? हाँ, ये कह रहा है आगे बब्बर शेर का जोड़ा बैठा है। तुम इनसे बातें करते हो? हाँ। हमारी बात कराओ अपने दोस्त से। आप बात करेंगी? बात करे, कर ले। हाँ, जरा ठुमका लगा, ठुमका ऐसे। राजकुमारी है, बहुत प्यारा है। किशमिश खाओ। बहुत प्यारा है। आजा आजा, शाबाश। कमाल है, तुम सब चिड़ियों से बात करते हो। हाँ, सब पक्षियों से बात करते हैं। सुबह से शाम तक घंटों हमारा सिर चैं 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 करके चाट जाती है। वो सामने देख रही ना चिड़िया, वो अभी हमसे कह रही थी कि हमारे घोंसले में 4 अंडे थे, अभी 3 ही नजर आते हैं। अब इन सुसरी को समझाए कोई कि मैंने उसके घोंसले का ठेका ले रखा है क्या? हाँ, और वो बया ने अब घोंसला छोड़कर भाग गया उसका नर। पूरी दोपहर लगी सुसरे को वापिस लाने के लिए। अच्छा। हाँ, जानती है क्यों? वो दूसरी मादा के चक्कर में था। हाय राम। हाँ, खूब डांट पिलाई उसको, तब कहीं जाके वापस लौटा। ये सब भाषाएं तुमने कहाँ से सीखी? यहीं जंगल में रहते रहते हम सीख गए। हमें भी सिखाओगे? हाँ, लेकिन ये राजकुमारी जी, कोई 1-2 घंटे का काम नहीं। तो इसको सीखने के लिए तो पूरा बरस लगे। तो तुम हमारे महल में आ जाओ, हमें वहाँ सिखाओ। अरे, इन पंछियों को छोड़ के हम कैसे जा सके, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, जब जीवन में हमें कभी अवसर मिलेगा तो हम यहाँ आ जाएंगे, फिर तुमसे ये सब भाषाएं सीखेंगे। राजकुमारी जी, लगता है कि मौसम ठीक नहीं है, आप नीचे उतर आ जाइए। अरे, इनका बदन तो गर्म है, लगता है बुखार है। बुखार है? सुनो, यहाँ कहीं वैद होगा आसपास? आराम से आइए, आप यहाँ विश्राम कीजिए, आराम से आइए। इनके पैर पर रख लीजिए। अब बिल्कुल निश्चिंत रहिए राजकुमारी जी, आप मेरी बनाई घूटी खा लीजिए
आप 2 घंटे में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि मैं आपको अभी जाने दूंगा। आप यहां विश्राम कीजिए, मैं अभी आता हूं। आप इसे पी के 2 घंटा आराम कर लीजिए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। घायल कर दिया था, जान का सारा मांस बाहर आ गया था। वैद्य की दवा से अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब तो मैं चलने फिरने भी लगा हूँ। अच्छा, और तुम्हें क्या हुआ था? मुझे कंठमाल हो गया था, बहुत से वैद्यों को दिखाया, ठीक नहीं हुआ। अब ठीक हूँ, रत्ती भर रह गया है। वैद्य जी बहुत अच्छे हैं। अजी देवता है देवता, मेरी रीढ़ की हड्डी वैद्य जी ने ऐसी बिठाई कि लगता ही नहीं कभी टूटी थी। अच्छा राजकुमारी जी, राजकुमारी जी आप यहाँ? जी हाँ, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप यहाँ बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, नगर से दूर इस छोटे से गांव में। जी चाहता है मैं भी अब सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आके रहूँ और आपके साथ पीड़ितों की सेवा में जीवन बिताऊँ। आप बड़े वीर और साहसी हैं, साथ में बुद्धिमान भी। आपकी वीरता की वजह से आज मुझे नया जीवन मिला है, मेरे प्राण बच गए। आप जैसे वीर से मिलकर, बार बार मिलकर मुझे बहुत हर्ष होगा। आ गई बेटी। तूने क्या क्या देख लिया बेटी? माँ मैंने बहुत कुछ देखा,
सब विस्तार से बाद में बताऊंगी। देखो बेटी, पहले जो मैं खबर सुना रहा हूँ वो सुनो। क्या? अब तुम हो गई हो बड़ी, पास आसपास के राज्यों से राजाओं के पत्र और संदेश आते हैं। वो अपने राजकुमारों के लिए तुम्हारा हाथ चाहते हैं। उन्हें उत्तर देने के लिए हम तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सच कहूं पिताजी? बोलो बेटे। मुझे राजा राजकुमार बिल्कुल नहीं चाहिए। इस बार यात्रा में मैंने देखा कि साधारण मनुष्यों में जितनी लगन, जितनी महानता, जितना साहस, सूझबूझ, मनुष्यता और साधना होती है, उतनी हम राजाओं में नहीं। तुम हमारी एकलौती बेटी हो नंदरति, तुमसे जो विवाह करेगा वह इस राज्य का राजा होगा। हम पूरे राज्य में स्वयंवर की घोषणा करवा देते हैं। तुम बुद्धिमान हो, तुम्हारा निर्णय गलत नहीं होगा। तुम अपनी पसंद का वर चुन लेना। पिताजी, सुनो सुनो सुनो, महाराजा वीरदेव और महारानी पद्मावती की एकमात्र संतान राजकुमारी अनंगरति का विवाह स्वयंवर से होगा। राज्य के सुयोग्य अविवाहित एवं स्वयं को राजकुमारी का पति बनने की योग्यता और प्रतिभा वाले युवक कार्तिक की पूर्णिमा को राजधानी उज्जैनी पधारे। आप जैसे वीर से मिलकर, बार बार मिलकर मुझे बहुत हर्ष होगा। सुनो सुनो सुनो, महाराजा वीरदेव और महारानी पद्मा देवी की एकमात्र संतान राजकुमारी अनंगरति का विवाह स्वयंवर से होगा। राज्य के सुयोग्य एवं अविवाहित जो राजकुमारी, ठीक है, के जब जीवन में हमें कभी अवसर मिलेगा तो हम यहाँ आ जाएंगे, फिर तुमसे ये सब भाषाएं सीखेंगे। वैजी, सुना आपने? क्या? राजकुमारी स्वयंवर कर रही है, वो राज्य के किसी प्रतिभाशाली युवक से विवाह करेगी। सब आमंत्रित है। जी चाहता है मैं भी अब सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आके रहूं और आपके साथ पीड़ितों की सेवा में जीवन बिताऊं। अनंगरति का स्वयंवर? हाँ, वो किसी प्रतिभाशाली युवक से विवाह करना चाहती है। मेरी तो यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं होती। जी चाहता है यहीं रह जाऊं और ये काम सीखूं। आप सिखाएंगे ना? अरे बाबा, कब से गुटरगू लगा रखी है, तेरे सवाल ही खत्म नहीं होते। देख, दो दिन के लिए तो जा रहा हूँ, कोई हमेशा वहीं थोड़ा रहना है। क्या समझे? जैसे तुम लोगों का जोड़ा बनता है ना, वैसे हमारा भी बनेगा। राजकुमारी को ब्याह के लाएंगे, हाँ? अब हमसे तुम्हारी सेवा अकेले नहीं होती। क्या तू भी चलेगा? वाह भाई गुटरगू, ठीक। अरे वही तो लेके जा रहा हूं तुझे बारात पे, चल। बेटी, ये सब हमारे राज्य की गौरव और प्रतिभा है। इसमें से जिसे भी तुम अपनाओगी वो सम्मानित अनुभव करेगा, सौभाग्य मानेगा और वही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। निर्णय तुम्हारे हाथ में। तुम राजकुमारी हो, बुद्धिमान हो, हित हित जानती हो, सही भविष्य की कल्पना कर सकती हो। आगे बढ़ो और वरमाला डालो जिसे भी चाहो।
देख विक्रम, राजकुमारी अनंग रति के सामने चार वर हैं, एक वीर, एक वैद्य, एक वस्त्र निर्माता और एक भाषा ज्ञानी। इन चारों में से किसी एक के गले में उसे वरमाला डालनी है। अब तू बता, उसने किसके गले में वरमाला डाली? बोल विक्रम, अनंग रति ने किसके साथ ब्याह किया? जल्दी बता, वरना मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ सुन बेताल, राजकुमारी अनंगरति चतुर है, वस्त्र निर्माता बड़ा धनवान है, पर राजा की इकलौती बेटी को धन की क्या कमी, तो इसलिए वो उस वस्त्र निर्माता से प्रभावित नहीं होगी। वो भाषा ज्ञानी, पशु पक्षियों की बोली बोलना जानता है, मनोरंजन के लिए ठीक है, पर राजकुमारी सारा जीवन उसके साथ क्यों बिताएगी? वो वैद्य, माना कि वो राज्य की शोभा है, समाज के लिए आवश्यक हैं, लेकिन जब उसमें और एक वीर पुरुष में चुनाव करना होगा तो चतुर राजकुमारी उस वीर से ही विवाह करेगी। राजा के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए वीर दामाद ही राज्य की रक्षा करेगा। ठीक तर्क से निर्णय किया तूने, अच्छा गणित किया, मगर तुम्हारी समस्या ये है कि निर्णय करोगे तो बोलोगे, और मेरी शर्त यह है कि तुम बोलोगे और मैं जाऊंगा, तुम बोले मैं जा रहा हूं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्रम आजा, मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महान झूठ है। देखो मेरी बात सुनो, मैं तो कल फांसी पे चढ़ने ही वाला हूँ। मेरे पास मेरी सारी संपत्ति, सारा धन है, जिसे मैंने जगह में गाड़ रखा है और जिसका पता किसी को नहीं है, और ना ही मैं किसी को बताने वाला हूँ। तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दीजिए, और मैं मरने से पहले आपको उस जगह का पता बता दूंगा जहाँ पे वो धन पड़ा हुआ है। आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे और आप अपना शेष जीवन सुख से बिता सकते हैं। बता, इन तीनों में इस लड़के का पिता कौन है? धनवती का बेटा किसके हाथ में पिंड दे? इनमें एक हाथ उस चोर का है जिससे धनवती का विधि पूर्वक विवाह हुआ था, दूसरा हाथ उस युवक का है जो रुपयों के लालच में धनवती का पति बना था, और तीसरा हाथ उस राजा का है जिसने धनवती के बेटे को अपने पुत्र की तरह पाला। विक्रम बेटा, 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 विक्रम बेटा। बेताल फिर उसी डाल पर जाकर लटक गया। कई चालें चली उसने इस आशा में कि विक्रम घबराकर लौट जाए। परंतु विक्रम टस से मस न हुआ। उसने वैताल को अपने वश में किया, अपने कंधे पर लादा और चल पड़ा। और हमेशा की तरह वैताल ने विक्रम को
एक नई कहानी सुनानी शुरू की। ये कहानी थी विधवा भागवती और उसकी जवान बेटी धनवती की, जो अपने दुर्भाग्य के मारे एक नगर से दूसरे नगर जा रही थी। परदेश है, यहाँ कोई हमारा जान पहचान वाला भी तो नहीं है। यहाँ बैठ जा, आज थोड़ी देर आराम कर ले, बैठ। सो जा, कल दरबार में हाजिर होना है, नहीं तो वहां उबेगा जाके। अरे कौन सा राजा मेरे सर पर मुकुट डालेगा, फांसी पर ही तो लटकाएगा ना। सो जा, मैं कहता हूँ सो जा। अब तो आखिरी बार ही सोऊंगा सिपाही जी। भैया थोड़ा पानी पीने को मिलेगा? वो गली में मटका रखा है भाई, वहां से भर ले। अच्छा माँ, तनिक पानी हमें भी पिला देना, कंठ सूख रहा है। ये इसे बांध क्यों रखा है? चोर है, नामी चोर, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया। लेकिन तू कौन है? परदेसी है भैया, गांव में हमारा सब कुछ लूट गया, छोड़ छाड़ के यहाँ चले आए, सोचा जहां भाग्य ले जाए। जा भर ले पानी। अच्छा ये बेटी धनवती, इसे थोड़ा पानी पिला दे। ये धनवती तेरी बेटी है? हाँ। इसकी शादी नहीं हुई? नहीं। एक बात कहूं, इसका ब्याह मेरे साथ कर दे। देखो तो सही, क्या बके जा रहा है ये मुआ? अबे ओ, कल फांसी पर चढ़ेगा और आज रात तुझे ब्याह की सूझ रही है? क्या बताऊं सिपाही जी, सारी जिंदगी चोरी चकारी, बहुत पाप किए मैंने। सोचा था कभी सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर बसाऊं, बाल बच्चे हों, कोई तो हो जो मरने पर पानी दे सके। आज की रात तू सोच सोच कर बिता ले, क्योंकि आज की रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। अब जो होगा अगले जन्म में होगा। अगला जन्म होगा तब ना, मरने के बाद मैं प्रेत बनकर भटकूंगा, मुक्ति नहीं मिलेगी मुझे, निपुता मर रहा हूं ना। भाई जरा लोटा देना, मैं पानी पी के आता हूँ। और सुन, भागने की कोशिश नहीं करना। अब तो मैं जिंदगी से ही भागूंगा सिपाही जी। देखो मेरी बात सुनो, मैं तो कल फांसी पे चढ़ने ही वाला हूँ। मेरे पास मेरी सारी संपत्ति, सारा धन है, जिसे मैंने जगह में गाड़ रखा है और जिसका पता किसी को नहीं है, और ना ही मैं किसी को बताने वाला हूँ। तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दीजिए, और मैं मरने से पहले आपको उस जगह का पता बता दूंगा जहाँ पे वो धन पड़ा हुआ है। आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे और आप अपना शेष जीवन सुख से बिता सकते हैं। ठीक है, मानती हूं हमारा भाग्य खुल जाएगा, लेकिन एक रात का दूल्हा बनकर तुझे क्या मिल जाएगा? मुक्ति, प्रेत योनि से मेरी आत्मा की मुक्ति। धनवती को जब बेटा होगा तो वो पिंड दान करेगा, श्राद्ध करेगा, और पिता होने के नाते पिंड पर अधिकार मेरा होगा, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं मां, मरने से पहले मेरी कृपा स्वीकार करो, मुझे मुक्ति दिलाओ मां, मुझे मुक्ति दिला दो। ठीक है, मुझे मंजूर है। ले भाई तेरा लोटा। आ बेटी, आज सिपाही जी। क्या है? मेरी कमर में दो सोने की मोहरें हैं, जरा से निकालना। क्या है? सोने की मोहरें मुझे दे रहा है क्या? नहीं, वो सामने पंडित जी रहते हैं, जरा आप उनका जाके दरवाजा खटखटाइए ना। क्यों? आज रात मेरा ब्याह रचा जाएगा। और कल तो फांसी पर चढ़ेगा।
मुझे फांसी कल होगी, लेकिन आज मेरे भाग्य में दूल्हा बनना लिखा है। ठीक है भाई, बुला लेता हूँ पंडित। बताई थी उसने मूर्ति के सामने की जमीन के नीचे, यानी यहां। मिलता और वे जीवित रह जाते तो मुझे सब कुछ मिल जाता। दुनिया में पैसा है तो सब सुख मिल जाते हैं बेटी। पैसा बहुत बड़ी चीज है। एक बात बताओ बहन, धनवती के हाथ कब पीले कर रही हो? कुंवारी लड़की को कब तक घर में बिठा कर रहो कुबी बहन? देखो ये बिल्कुल ठीक कहती है। ठीक कह रही है, मैं भी तो यही चाहती हूँ कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो इसके हाथ पीले कर दूं जल्दी से। पर एक बात है, मैं उसे यही रखूंगी अपने साथ। अच्छा तो मैं समझ गई, तुम्हें घर दामाद चाहिए। और नहीं तो क्या, इतने बड़े घर में मैं अकेली थोड़ी रहूंगी। तो ढूंढो ना, हाथ पे हाथ धरे रहने से काम नहीं चलेगा। जानती हूँ, पर पता नहीं कौन सा लड़का इसके भाग्य में है। बेटे, हमारा घर कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है। दामाद बनोगे हमारे?
धनवती, बेटी धनवती। आई माँ। बेटे, ये है मेरी बेटी धनवती। धनवती। सहारे उसने तेरा सुहा खरीदा था और मैंने भी धन के सहारे तेरा सुहा खरीदना चाहा, मगर कुछ ना हो सका बेटी, कुछ ना हो सका। कुछ
राजकुमार नहीं रहा, पर उसके प्राण बचाने के लिए तुम्हारे इस साहसी बेटे ने जो कुछ भी किया, अपने प्राण झोंक दिए, वो हमने अपनी आंखों से देखा है, तो हम कभी नहीं भूल सकते। इस बच्चे के पिता कहाँ हैं? हमें संदेश मिला था कि उनका देहांत हो गया। ओह, तुम अकेली हो? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है महाराज। क्या काम करती हो? सीना पे रोना करके अपना पेट पालती हूँ अन्नदाता। पर आज से तुम हमारे साथ महल में रहोगी। राजकुमार की जगह हम इस बच्चे को गोद लेंगे। ओम शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। नहीं मित्रजी, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। राजकुमार जी, महाराज की तबीयत अचानक खराब हो गई है, वो आपको याद कर रहे हैं। पिताजी, क्या हुआ? क्या हुआ आपको पिताजी? बेटे, जिस साहस और वीरता से मेरे बेटे के प्राण बचाने का एक दिन तूने प्रयत्न किया था, हमारे बाल एक नए राजा के रूप में उसी साहस और वीरता से हमारे राज्य की रक्षा करना। पिताजी, 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 पिताजी। अपने पिता के देहांत के बाद पुत्र को तीत राज किया जाकर श्राद्ध कर अपने पिता का पिंडदान करना पड़ता है बेटे। और इतनी कहानी सुनाकर वैताल रुक गया। उसने विक्रम से एक प्रश्न किया, बता इन तीनों में इस लड़के का पिता कौन है? धनवती का बेटा किसके हाथ में पिंड दे? इनमें एक हाथ उस चोर का है जिससे धनवती का विधि पूर्वक विवाह हुआ था, दूसरा हाथ उस युवक का है जो रुपयों के लालच में धनवती का पति बना था, और तीसरा हाथ उस राजा का है जिसने धनवती के बेटे को अपने पुत्र की तरह पाला। जल्दी बता, वरना मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े करूंगा। हाँ। लड़के का पिता है वो चोर जिसने मरने से पहले धनवंती से विधिपूर्वक विवाह किया, दूसरे को धन का लालच था, तीसरे ने कर्तव्य पूरा किया, इसलिए चोर से हुआ विवाह ही धनवंती का विवाह है। धनवंती के बेटे का पिता वही है वो चोर जो बेचारा बिना सुख पाए मर गया। अरे वाह, वाकई तू बहुत बुद्धि वाला है। अरे तेरा जैसा ना राजा बुद्धि वाला हुआ, ना न्याय वाला हुआ, ना कभी होगा। मगर मैं अपनी आदतों से मजबूर हूं, मैंने कहा था ना कि मैं तेरे बोलने के साथ ही चला जाऊंगा, मैं जा रहा हूं।
तू बोल गया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महा झूठ है। विक्रम विक्रम बेटा, विक्रम विक्रम बेटा, विक्रम विक्रम बेटा, विक्रम विक्रम बेटा, विक्रम और 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 बेटा, विक्रम।